अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में हमने जाना था, आरू ईशा को बोल देती है कि सोनिया जो है उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसे सुन के ईशा बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। वो उधर से अपने घर आती है और घर आने के बाद वो रोती है बहुत। तब जो पेना है वो कॉलेज ख़त्म होने के बाद आरू की घर ईशा के घर आती है। पहले ईशा की मॉम से मिलती है, फिर ईशा के रूम में जाती है। देखती है कि ईशा जो है वो दूसरी तरफ फेस करके वो सो रही थी। तभी वो एकदम से उसको टर्न करती है। जब देखते हैं कि वो तो रो रही है, तो बोलती कि तू रो क्यों रही है। ईशा जब पेना को देखती है तो उसे एकदम से हक करती है और रोने लगती है। तो पेना बहुत कई बार पूछती कि यार हुआ क्या है, बोल तो। तभी उसे पता चलती है कि आरू ने ईशा को कहा कि सोनिया उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसे सुन के पेना की फेस पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो बोलती कि अच्छा तो इसमें तेरा क्या, तुझे क्या प्रॉब्लम है। तभी एकदम से बोलती यार वो मुझसे प्यार करती है ना, तो फिर वो किसी और को कैसे गर्लफ्रेंड बना सकती है, अगर बनाना है तो मुझे बना लेना। तो ये जब सुनती है पेना तो बोलती अच्छा तुझे क्यों बनाए, तुझे थोड़ी ना उससे प्यार है। तो पेना भी ईशा भी एकदम से बोल रही थी कि यार मैंने कब कहा कि मुझे नहीं है। तो पेना बोलती कि सोच के बता, वरना ऐसा ना हो कि फिर से उस पर तू आरोप लगा दे। तो चलिए देखते आगे। तभी ईशा एकदम से चुप हो जाती है, बोले क्या अब तो फंस गई। तो बोलती कि देख मुझे नहीं पता, पर मैं उस लड़की को उसके आसपास नहीं देख सकती। तो पेना बोलती कि अब क्या कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो गई तो हो गई, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो पेना एकदम से बोलते हैं कि ईशा एकदम से बोलती कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो मुझसे प्यार करती है तो मुझसे प्यार करती है, किसी और को कैसे गर्लफ्रेंड बना सकती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूँगी। तो पेना बोलती है कि तेरे पास कोई ऑप्शन है क्या कुछ करने की, वो तेरी बात भी नहीं सुनती। तो ईशा बोलती कि सुनना होगा मेरे बात सुननी होगी उसको। तो बोलते अच्छा फिलहाल ना मैं तुझे एक चीज़ बताती हूँ कि तू अपनी दिल से पूछ, तू खुद समझ पहले कि तेरे दिल में क्या है उसके लिए, फिर जाके उससे बात करियो। अभी ये रोना धोना बंद कर, फ्रेश होके जा, नीचे कुछ खाना पीना खा ले, फिर अच्छी फील हुई तो मेरे घर आ जाना, पढ़ाई करेंगे साथ में। अभी मैं जाती हूँ क्योंकि मैं कॉलेज से सीधा आई हूँ तुझसे मिलने, बाद में बात करते। तो वो पेना जो है वो बात करके वहाँ से चली आती है। इधर पेना की जाने के बाद भी ईशा बहुत सारी सोच में डूबी थी कि यार हाँ पेना ने सच ही तो कहा कि आखिर वो खुद तो नहीं समझती है कि उसके दिल में क्या है। तो एक बार वो एकदम से आँखें बंद कर लेती और वही चीज़ जो है वो याद करने की कोशिश करती है, वो सारे पल जो उसने ईशा के आरू के साथ बिताए थे, और वही चीज़ जो सोनिया बार बार उसकी करीब जाने की कोशिश करती है। तो तभी एकदम से वो आँखें खोली थी और एकदम से बोलती नहीं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूँगी, आरू मुझसे प्यार करती है तो उसका गर्लफ्रेंड भी मैं ही होंगी ना, किसी और को मैं नहीं देख सकती उसके साथ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने दूँगी। अब जो करना होगा मैं खुद ही करूँगी, अगर हो तो मैं उसके पैर पड़ जाऊंगी ना, माफ़ी मांग लूंगी, कब तक नाराज़ रहेगी, मैं उसे किसी और के नहीं होने दे सकती। ऐसे बोल के वो उठती है, फ्रेश होती है और नीचे जाती है और अपनी मॉम से थोड़ी देर बात करती है, खाना खाती है और फिर बोलती कि मम्मा मैं पेना के घर जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो बोलती कि वाह क्या बात है इतने दिन बाद। तो बोलती कि हाँ वो, तो बोलती ठीक है जाओ, क्या बात है जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो वो अपने बैग लेके जाती है पेना के घर, पेना की मॉम जब देखती है तो खुश होती है कि वो अपने मन में बोलती है कि एटलीस्ट ये दोनों साथ में आ गए। तो वो जाके पेना से मिलती है तो पेना एकदम से बोलती है तू इतनी जल्दी भी आ गई यार, मैंने तो सोचा कि तू आएगी नहीं, मैं वहाँ से आई हूँ 1 घंटे हो चुके हैं, तू 1 घंटे में वापस भी आ गई। तो ईशा बोलती कि हाँ तो क्या हुआ, तूने ही तो बोला कि आ जाओ। तो बोलती ठीक है
आ तो रुक, मैं कुछ खा के आती हूँ। तो बोलते कि हाँ ठीक है। तो बोलते तूने खाया? तो बोलते हाँ मैं खा के आई हूँ। तो बोलते ठीक है, तो तू रुक थोड़ी देर, वेट मैं अभी आई। तभी वो देखती कि पीना की मोम एकदम से जो है चाय और कुछ नाश्ता वगैरह लेके आते। तो बोलती कि अरे मम्मी मैं तो नीचे जा रही थी। बोलते कोई ज़रूरत नहीं ना, मैं लेके आई हूँ। तो तभी एकदम से ईशा बोलती कि आंटी मैं तो खा के आई हूँ। तो बोलते तो क्या हुआ बेटा, इधर से भी थोड़ी बहुत तो खा ही सकती हो। तो बोलते पर आंटी भूख थोड़ी ना है मुझे। तो बोलते कोई बात नहीं, चाय पी लो। वो देख के वहाँ से चली जाती। ये लोग जो है थोड़ी बहुत पढ़ती है, चाय पीती है, फिर पढ़ती है। एकदम से ईशा बोलती कि पेना? तो ईशा पेना बोलती कि हाँ बोल। तो बोलती कि यार एक बात कहूँ? तो बोलती कि हाँ बोल। तो बोलती यार सच्ची कहूँ? तो बोलती कि बोल, ऐसे क्यों बोल रही है, जो बोलना है बोल ना। तो बोलती कि तू तू तो बोलती कि देख इतना भी मत सोच, जो बोलना है बोल दिल खुल के। मैं थोड़ी ना यहाँ पे तुझे जज करने के लिए बैठी हूँ, बोल। तो बोलती कि यार हाँ, खुद की इतना मत सोच, बोल ना। वो एकदम से बोलती कि आई लव आरवी। तो पेना जो है बोलती कि क्या? तो बोलती कि यार सुना ना तूने? तो पेना बोलती कि मैंने नहीं सुना, फिर से बोल। बोलती कि यार आई लव आरवी, आई लव हर, आई फॉल इन लव विथ हर यार। तो पेना बोलती कि तेरी तबीयत ठीक है? तो एकदम से उसके फॉरहेड पे हाथ लगाती कि तुझे फीवर वीवर तो नहीं है? तो ठीक है, दिमाग ठीक है? तो ईशा एकदम से उसकी तरफ घूर के देखती, बोलती क्या मतलब है? तो बोलती कि नहीं, मुझे लगता है ना कि तेरी ना दिमाग खटकी हुई है, पहले ना तू सोच ठीक से और समझ, फिर मुझे बता। कि तो बोलती कि यार देख, जब तूने मुझे पहली बार समझाया था तब मैंने ये चीज़ से मुकर गई थी, अब जब मैं खुद बोल रही हूँ तू मान नहीं रही, यार कैसे यकीन कराऊँ मैं तुझको? तो प्रेरणा बोलती कि यार तुझे सच में लगती कि तू उससे प्यार करती है? तो ईशा बोलती कि यार मम्मी कसम, कम से कम तू तो मान ले यार। तो बोलती कि यार मम्मी कसम, छोटी छोटी बातों पे मम्मी की कसम तो मत दे। तो बोलती तू 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 यकीन तो नहीं कर रही, मैं क्या करूँ? मैं बोल तो रही हूँ ना कि मैं मुझे उससे प्यार हो गया। तभी एकदम से प्रेरणा बोलती ठीक है चल, मान लिया मैंने तेरी बात, जब तू इतनी सीरियस है तो मान लिया मैंने, लेकिन अब तू ये सोच कि आरू को कैसे मनाएगी, कि मुझे तो नहीं लगता कि आरू मानेगी। तो ईशा बोलती कि मैं बात करूँगी ना उसको कल कॉलेज में जाके। तो वो बोलती कि अच्छा इतनी आसान है क्या, वो सुनेगी तेरी बात? जब इतनी दिन से तू बात करने की कोशिश कर रही है वो नहीं सुन रही, तो अब क्या सुनेगी वो? तो कि यार तो मैं क्या करूँ, वो तो बात नहीं सुन रही। तो बोलती कि देख मुझे नहीं पता तू क्या करेगी, लेकिन मैं हाँ एज ए फ्रेंड मैं तुझे एक सजेस्ट कर सकती हूँ अगर तू चाहे तो। तो बोलते हाँ तो करना, इसीलिए तो तेरे पास आई थी। तो बोलती कि क्या, तू यहाँ पढ़ने नहीं आई? तो बोलती कि हाँ वो तो पढ़ने भी आई थी, और तो तेरे साथ बात भी करनी थी इस बारे में, तो मैं आ गई। तो बोलती तू तो हरामी निकली यार, मैंने तेरे को बुलाया पढ़ने के लिए और तू यहाँ आई मुझसे साजेस्ट लेने के लिए अपनी प्यार के लिए, जा अब तो मैं नहीं बोलती। तो बोलती प्लीज़ ना यार मदद कर देना, मैं तेरे मामले में मदद कर दूंगी ना, जब जब तेरी लव लाइफ शुरू होगी तो मैं होंगी ना तेरी मदद करने के लिए। तो शना जो पेना है वो उसकी तरफ देख के बोलती बाप रे क्या क्या सोच के रखी है तूने। तो बोलती कि आप प्लीज़ ना बोल देना क्या क्या है तेरे पास। तो बोलती देख सीधा भी सीधा बात बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आरू के पास पहुँचने में तेरी जो सबसे बड़ी मदद है वो शनाया कर सकती है, क्योंकि पता है शनाया तुझसे नाराज़ है, क्योंकि तूने जो किया ना नाराज़ होना बनती भी है। तो अगर तू कभी
हारू को मना भी ले तो शनाया नहीं राजी नहीं होगी, और अगर शनाया राजी नहीं होगी तो हो सकते कि हारू बैक स्टेप ले। तो बोलती यार तो क्या करूँ, तो बोलते हाँ तो तुझे पहले शनाया को मनानी होगी ना, शनाया मान जाएगी तो शनाया कुछ ना कुछ करके आरू को मना लेगी, तुझे तुझे ना आरू के पीछे नहीं शनाया के पीछे भागनी होगी। तो बोलती यार वो तो मुझसे ठीक से बात नहीं करती, मेरी क्या मदद करेगी। तो वो थी तू कर उससे बात करके तो देख। तभी वो एकदम से बोलती तू तू करना, वो तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हो। तो बोलती कि गजब चीज़ है भाई, मोहब्बत तेरी बंदी तेरी, मैं क्यों इसमें जो है अपनी पसीना जो है वो डालू भाई, तू कर तेरी मोहब्बत है तुझे जो है करना है, मुझे कुछ नहीं करना। तुम बोलती प्लीज़ ना बात तो कर सकती है, बोलती बात भी नहीं कर रही हूँ मैं, उसने पता है कल ही मुझे कहा है कि मैं तुझे समझाऊँ कि तू आरू से दूर रहे। तो बोलती क्या, तो बोलती कि हाँ वो जो जब तू उसे घूर घूर के देख रही थी ना क्लास के टाइम पे, तो उसने भी नोट किया, तो उसने मुझे कहा कि मैं अपनी दोस्त को कह दूँ कि वो आरू से दूर रहे, तो अब मैं किस बारे में बात करने जाऊँ उससे। तो ईशा बोलती कि यार ये तो क्या मोहब्बत की, हाँ ही मैं इजहार करूँ तो करूँ कैसे यार, पहले ही इसको मनानी है फिर आरू को, मेरे दिमाग क्या करूँ। तो बोलती कि ज़्यादा मत सोच, फिलहाल तो तू शनाया को मना। तो बोलती तो तू 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 हेल्प कर देना बहन। तो बोलती कि हमसे ना होगी, तू तू शनाया की गुस्से को जानती नहीं है, मुझसे इस मुझे इस चीज़ से दूर रख भाई, तेरा तेरा है तू देख, मुझे बीच में मतलब पता नहीं तेरे चक्कर में मेरी दोस्ती ना टूट जाए फिर। तो प्लीज़ तू अपना अपनी कर, हाँ अगर तुझसे कुछ ना हो पहले फिर मैं खुद देखूँगी ना, अभी फ़िलहाल तू अपने में ध्यान दे शनाया को मनाने में। तो बोलती कि यार शुरुआत कैसे करे, तो बोलती शुरुआत कैसे, कल कॉलेज जा उससे बात करने की कोशिश कर तो देख क्या होते हैं। तो बोलती कि ठीक है। तो ये लोग जो है थोड़ी देर और पढ़ते हैं, फिर जो है ईशा जो है अपने घर आती है, बहुत कुछ उसके दिमाग चल रही थी, शनाया को कैसे मनानी है, पहले तो माफ़ी मांगेगी कैसे कैसे क्या करेगी, सब कुछ सोचती रहती है। वैसे ही वो रात ख़त्म होती है, अगले दिन कॉलेज आती है, तो कॉलेज आके वो शनाया को ढूंढने लगती है, तो एकदम से देखती है आरू को वैसे ही सोनिया के हाथ पकड़े हुए। ये लोग क्लासरूम में आई थी तो एकदम से जो ईशा है वो बोलती कि शनाया कहाँ है क्या तुम बता सकती हो। तो आरू एकदम से उठते क्या बात है, आज आपको शनाया की परी है, शनाया को क्या ज़रूरत। तो बोलती कि जितना पूछा गया है बस उतना ही बोले तो अच्छा होगा। तो एकदम से सोनिया जो है वो एकदम से बोलती यार ये क्या तरीका होती है बात करने की, ढंग से बात करो, उसने ऐसा क्या कह दिया। तभी जो है ईशा को गुस्सा आता है थोड़ी सी, बोलती कि एक्सक्यूज़ मी आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, मैं आपसे थोड़ी ना बात करती हूँ कर रही हूँ, जिनसे बात कर रही हूँ वो कुछ बोले ना, आप बीच में क्यों पड़ रही हो। अपनी ये नाक है ना जो अपने पास ही रखा करे, दूसरों के बीच पे घुसाना मत इसे। तो आरू क्या बताने की कष्ट करेगी कि शनाया कहाँ है। तो एकदम से बोलती कि शनाया आज कॉलेज नहीं आएगी, उसकी घर पे शायद कुछ इशू है। तो बोलते अच्छा ठीक है थैंक यू। तो आरू उसे थोड़ी सी शॉक तरीके से देखती कि ऐसे उसको शनाया की क्यों ज़रूरत पड़ गई। इधर ईशा जो है वो देखती कि प्रेरणा भी आई है, तो प्रेरणा के पास जाती, बोलती कि यार तू लेट क्यों आई। तो बोलती कि यार मुझे कहीं और जाना था, कुछ काम था क्यों। तो बोलती यार पहले तो मैं तेरे लिए वेट की थी, तू नहीं आई तो मैं यहाँ अकेली आ गई। तो बोलते हाँ तो ठीक है ना, आ तो गई ना। तो बोलती कि यार वो नहीं आई ना। तो बोलती कौन। तो बोलती कि यार शनाया नहीं आई कॉलेज।
तो बोलती कि वो नहीं आई, तो बोलते नहीं तुझे नहीं पता था क्या? तो बोलती थी कि यार नहीं, ओ शिट यार पता तो थी, मैं मेरे दिमाग से चली गई। तो ईशा एकदम उसे घूर के देखती है, तो बोलती कि तो पेना बोलती कि यार ऐसे भी मत देख यार, मेरे दिमाग से चली गई, आई एम सॉरी। तो बोलते मुझे नहीं पता, मुझे आज ही उससे बात करनी है। तो पेना बोलती कि देख ठीक है, मैं तेरी हालात समझ सकती हूँ, लेकिन इतनी हाई स्पीड में मत भाग, थोड़ा देख के चल यार, ऐसे हाई स्पीड पे भागेगी तो फिर से अपने मुंह पे ऊपर गिरेगी। तो बोलती कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उससे बात करनी है। तू 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 कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसके घर चलना। तो पेना एकदम से उसकी तरफ देखती है, तू उससे बात करने के लिए उसके घर जाएगी? तो वो तू क्या हुआ, तेरा दोस्त नहीं है क्या? तू दोस्त के घर तो जा ही सकती है। तो पेना बोलती कि बेटा तेरी तबीयत ठीक है ना? मुझे अब क्या लग रहा है पता है, तू ना इस सोनिया के चक्कर में ना पागल हो चुकी है। तो ईशा बोलती कि यार जो भी है ना, तू इसकी बात इसकी नाम क्यों ली मेरे सामने यार, दिमाग मेरा सब कुछ एकदम से खराब। तू तो इट्स ओके, सुन मेरी बात सुन, हम कल बात करते हैं ना, जब वो आ जाएगी तब कॉलेज में बात करेंगे ना। तो एकदम से बोलते अरे कल आएगी तभी वो आरू के पीछे पीछे रहेगी, हम थोड़ी ना बात कर सकते हैं उसके साथ। तो यार तो क्या करे, तो वो तो वही तो बता रही हूँ ना, उसके घर उसका घर का पता है ना, लेके चलना यार। तो जो पेना बोलती कि यार तू तू पागल हो चुकी है, पर मैं कैसे उसके घर जाऊँ? तो बोलती क्यों कभी नहीं गई क्या? तो बोलती नहीं एक बार तो गई थी, पर तुझे लेके कैसे जाऊँ, उसने थोड़ी ना मुझे परमिशन दी है। तो बोलती उसने ऐसा कभी कहा है कि तू अपनी दोस्त को ले नहीं ले जा सकती? तो बोलते नहीं ऐसा तो नहीं कहा। तो बोलते तो फिर इतना काय को सोचना, मुझे लेके चलना प्लीज़। अरे कह कह तू कहे ना तो तेरी पैर भी पकड़ ली तू प्लीज़। तो बोलते कि तेरी दिमाग ना खराब हो चुकी है, तू मुझे पागल कर देगी। सुन ठीक है, मैं तुझे लेके चलूँगी कॉलेज के बाद, अब तू मुझे परेशान मत कर। तो बोलते कि ठीक है थैंक यू। तो एकदम से उसे हक कर लेती है। पेना बोलती कि ये लड़की पागल हो चुकी है, अपने मन में बोलती कि पागल हो चुकी है ये, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो जैसे तैसे जो है ये लोग जाते हैं क्लासरूम में, लेक्चर लेने लगते हैं। 3 लेक्चर ख़त्म होने के बाद ये लोग लंच आवर पे जब होते हैं, तो एकदम से जो है पेना एकदम से आरू से टकराती। तो आरू एकदम सोचते संभाल के चलो, देख के चला करो, अपनी दोस्त की तरह इधर उधर ना भटको यार। तो बोलती कि आरू तो बोलती कि क्या, वैसे तुम्हारी दोस्त आज शनाया को बहुत याद कर रही है, क्या मामला है? तो भाई पेना घूर के उसे दिखती है। तो बोलती कि शनाया को? तो बोलती कि हाँ तुम्हें तो पता ही होगा दोस्त है तुम्हारी, शनाया की क्या ज़रूरत पड़ गई उससे? तो बोलती कि मुझे क्या पता। तो बोलती कि अच्छा सच में तुम्हें नहीं पता ना? तो पेना बोलती कि देखो आरू, मुझे इस इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, वो क्यों शनाया को ढूंढ रही है उसे पता हूँ, तुम उससे पूछ लो ना। तो बोलती हूँ मुझे क्या पड़ी है, उसको शनाया से मिलना है या किसी और से मिलना है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो मुझसे पूछी कि शनाया कहाँ है, तभी मैं तुमसे पूछी। तो वो तो मुझे नहीं पता था। होती कि ठीक है इट्स ओके। तो आरू उधर से चली जाती है, इधर पे ना एक लंबी सांस लेती बोलती ये पता नहीं बातें कुछ इस तरह से पूछती है जैसे CID का पता नहीं कौन हो, इसका इंट्रोडक्शन हमेशा से ही ऐसे होती है, पता नहीं लड़की है या आफत। तभी जब वहाँ पे ईशा आते बोलती कि क्या अकेले अकेले बड़बड़ा रही है तू, क्या अकेले अकेले बात कर रही है? तो बोलती यार तेरी चक्कर में ना मैं पता नहीं मैं किस केस के अंदर फंस जाती हूँ। क्या मतलब? तो बोलती कि तूने आरू से पूछा शनाई के बारे में? तो हाँ तो क्या हुआ, तो वो आके मुझसे पूछ रही है ना कि तुझे शनाया से क्या फरी है? तो बोलती कि क्यों तुझसे क्यों पूछ रही है? तो बोलती कि क्योंकि तू मेरी दोस्त है। तो बोलते अच्छा वो तो तूने क्या कहा? तुम बोलती कि मैं क्या कहती, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो बोलती अच्छा तो तूने झूठ बोल दिया? तो बोलती कि तू ना मज़े मत ले,
चल खाते हैं कुछ। तो ये लोग जो है जाते हैं कुछ खाते हैं, वैसे ही बाकी लेक्चर भी लेते हैं। फिर होती है कॉलेज ख़त्म, तो जब ख़त्म होते है तो ईशा जो है वो पेना को बोलती है यार चलना अब तो चल, कल कॉलेज जो है ख़त्म हो चुकी है। तो बोलती कि सवर कर ले सवर कर ले, तुझे इतनी जल्दी क्यों है, बस अभी अभी मुझे थोर का कॉलेज ख़त्म हुई है, मैं पानी पी पी रही हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार तो कर यार। तो बोलते हाँ तो पी ना, मैंने कब मना की। तो बोलती है ईशा बेटा थोड़ी सी शांत रख, चीज़ें सोच समझ के कर, तू ना हाई पीस पे गाड़ी चला रही है कहीं ठोक ना दे, सो स्पीड कंट्रोल करके चला कर। तो बोलती कि यार तेरी ये बातें मैं, मेरी अभी तो समझ में नहीं आ रही है, मैं बाद में समझूंगी, अभी तो जल्दी से पानी पी और चल। तो भाई पेना और क्या ही करे, तो वो जो फिर उसे लेके जाती है शनाया के घर। शनाया के घर पे शनाया की मॉम थी, तो जब ये दोनों हॉल में एंट्री करती है तो एकदम से शनाया की मॉम जो है वो देखती हो, तो ईशा को भी जानती हो, तो ईशा को देखते हुए थोड़ी शॉक हो जाती है। तो एकदम से पेना की तरफ देख के बोलती बेटा तुम यहाँ पे ठीक है लेकिन ये। तो ईशा जो है वो आंटी की जो है शनाया की मॉम की पैर छूती है, उसे नमस्ते कहती है और बोलती कि नमस्ते आंटी कैसे हो आप। तो शनाया की माँ बहुत अच्छी होती है तो उससे तो कोई उसको प्रॉब्लम नहीं थी। तो बोलती कि बेटा मैं तो ठीक हूँ तुम कैसी हो। तो बोलती कि जी मैं ठीक हूँ, वो शनाया कहाँ है। तो बोलती हाँ वो तो रूम में है। तो बोलती हाँ वो कॉलेज नहीं गई आज। तो बोलती कि हाँ हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए थे और शनाया की कज़न आए थे तो वो मिलने के लिए वो रह गई थी, वो नहीं गई। तो बोलते अच्छा, तो बोलती कि क्या हम मिल सकते हैं। तो बोलती कि हाँ बेटा ज़रूर मिल सकते हो, जाओ साइड पे ही उसकी रूम है, वहाँ पे जाओ बात करो, मैं अभी आती। तो ये बोल के वो दोनों को जो है शनाया के रूम दिखाती है। तो जब एकदम से जो प्रेरणा और ईशा जाती है तो प्रेरणा पहले जाती है क्योंकि उसका पता नहीं होता ना कि शनाया का रिएक्शन क्या होती है। तो एकदम से प्रेरणा पहले जाती है और बोलती कि बेटा रुक तू डोर पे रह, मैं पहले मिल के आती हूँ। पता चला कि पता नहीं उसके आसपास कुछ हो, गमला ना तो एकदम से फेंक के मारे मेरे ऊपर, तू 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 थोड़ा सा इंतज़ार कर मैं पहले बात करती हूँ। तो ईशा जो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तो पहले पेना जाती तो देखती है कि जो शनाया है वो कुछ कर रही थी, कुछ डिज़ाइन शायद दिख रही थी या जो भी हो कुछ कर रही थी। तभी एकदम से पेना जाके बोलते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो एकदम से शनाया की नज़र जाती है तो देखती है पेना, तो बोलती कि तुम ऑलरेडी अंदर आ चुकी हो, अब क्या पूछ रही हो आ जाओ। तो बोलती कि तुम आज कॉलेज नहीं गए। तो बोलती कि नहीं तुम्हें तो बताया था ना। तो बोलती कि हाँ बताया तो था लेकिन रीज़न नहीं बताया। तो बोलती कि रीज़न वो मेरा एक कज़न आया है, तो वो लोग आए थे तो इसलिए। तो बोलते अच्छा ये मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। तो एकदम से बोलती कि हाँ बोलो ना क्या हुआ। तो बोलती कि वो पहले तुम ना अपनी तुम वैसे तुम नॉर्मल हो ना। तो बोलती कि क्या ये कैसा सवाल है। तो बोलती मेरा मतलब है कि दिमाग ठंड है ना। तो बोलती कि क्यों ऐसा क्या बोलने वाली हो। तो बोलती कि ना पहले बोलो ना। तो बोलती कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मूड भी ठीक है, क्या हुआ क्या है। तो बोलती कि यार तुमसे ना कोई मिलना चाहती है। तो बोलती मिलना चाहती है कोई लड़की। तो बोलती कि हाँ। तो बोलते अच्छा कौन लेके आई हो। तो बोलती कि हाँ लेके तो आई हूँ, रूम के बाहर है। तो बोलते अच्छा कौन है। तो एकदम से बोलती देखो मैं बताती हूँ लेकिन तुम गुस्सा मत होना ना। तो बोलती कि यार ऐसे पहेलियाँ मत बुझाओ, बोलो क्या है कौन है। तो एकदम से बोलते वो ईशा ना तुमसे मिलना चाहती थी और वो आई है मेरे साथ, तुम्हारी रूम के बाहर आई है। तो जब एकदम से शनाई ये सुनती है तो एकदम से खड़ी हो जाती है, बोलते व्हाट ईशा आई है मुझसे मिलने मेरे घर पे और तुम उसे लेके आई हो सीरियसली। तो पेना बोलती कि देखो वो मेरी दोस्त है, उसने रिक्वेस्ट की है तो मैं लेके आई। आई एम सॉरी मैं तुमसे नहीं पूछी, पर यह तुमने तो कभी कहा नहीं ना कि मैं मेरे दोस्त को तुम्हारे घर नहीं ले सक ले के आ सकती।
तभी जो है वो इतनी ज़्यादा घबरा रही थी, तो शनाया बोलती कि एक तुम इतनी घबरा रही हो क्यों, क्यों घबरा रही हो तुम, तो तुम्हारा तुम मुझ पे गुस्सा मत निकालो यार। उसने रिकू मैंने उसको कहा कि तुम नहीं मानोगी, तो वो बोलती कि रिलैक्स बेना, मैं खा नहीं जाऊंगी तुम्हें, तुम ठीक से बोल भी नहीं पा रही हो। तो एकदम से वो पानी देती है और बोलते पहले ये पी लो, ये पी लो और आराम से बैठा। वो एकदम से बोलती कि ईशा अंदर आ जाओ, तो ईशा एकदम से जाती है और वो बोलती कि हेलो कि कैसी हो, तो बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें कब से मेरी ज़रूरत पड़ गई है, ऐसा क्या हुआ कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो। तो एकदम से बोलती कि हाँ मिलना तो था पर तुम आज कॉलेज नहीं गई तो मैंने सोचा कि घर आके ही बात कर लेते। तो बोलती कि ठीक है तो बोलो क्या बात करनी है। तो एकदम से बोलती कि मुझे वो, तो बोलती कि हाँ बोलो क्या हुआ, तो बोलती कि वो आरवी के बारे में बात करनी है। तभी जब एकदम से आरवी की बात बोलती है तो एकदम से जो है शनाया बोलती कि देखो ईशा तुम अगर यहाँ पे मुझसे किसी और चीज़ के बारे में बात करने आई हो तो ठीक है, लेकिन तुम अगर यहाँ पे आरू के बारे में बात करनी है तो आई एम सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम जा सकती हो क्योंकि आरू के बारे में ना मैं तुमसे कुछ सुनना चाहती हूँ और ना ही बोलना, तो बेहतर यही है कि तुम चले जाओ। जब एकदम से ईशा ये सुनती है तो बोलती कि प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, तो बोलती कि ईशा प्लीज़। तभी वो एकदम से पेना की तरफ देखते बोलते पेना, तो बोलती कि हाँ हाँ बोलो, तो बोलती कि इसको ले जाओ प्लीज़, अगर कुछ और बात करनी है तो मोस्ट वेलकम, बट अगर आरू के बारे में बात करनी है तो मुझे कुछ नहीं सुनना है, इसे चले जाने को, इसे ले जाओ यहाँ से। तभी ईशा एकदम से बोलती प्लीज़ ना एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज़। तो जो शनाया बोलती कि बोलो क्या बोलना है, क्या क्या कहना चाहती हो तुम, तो बोलती कि यार, तो एकदम से जो है वो अपनी नीज में बैठ जाते, वो अपने हाथ जोड़ लेते, बोलती कि यार प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझ पे यकीन करो, हाँ आई लव आर भी। तो जब एकदम से ये सुनती है शनाया तो वो उसकी तरफ देखती है, बोलती कि यू लव आर भी, व्हाट अ जोक, ये जोक ना मैंने बहुत पहले सुना था, अब तुमसे सुन रही हूँ तो मुझे, पर इस जोक में मुझे हंसी नहीं आ रही है। ईशा आई थिंक तुम्हें चले जाना चाहिए, और ये सब तो मुझे क्यों बोल रही हो। तभी वो बोलती कि प्लीज़ ना मुझ पे यकीन करो, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ उससे, मुझे अब समझ में आई। तो बोलते अच्छा, किसी की ज़िंदगी ख़राब करके तुम्हें एहसास होती है कि भाई तुम्हें तो उससे मोहब्बत है, वाह रे वाह ईशा तुम्हारी इश्क ये है। तो एकदम से बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी सी समझने की कोशिश करो। वो उसकी गर्लफ्रेंड, तो बोलती गर्लफ्रेंड कौन, तो एकदम से बोलती कि वो सोनिया आरू की गर्लफ्रेंड है। तो बोलती कि व्हाट, हाँ वो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो इसकी गर्लफ्रेंड है, तो ये चीज़ तो उसको भी पता नहीं थी तो वो भी शौक होती, लेकिन वो उसको समझने नहीं देती कि ये चीज़ उसे पता नहीं है। तो बोलती कि हाँ तो क्या हुआ, इसमें गलत क्या है, तुम्हें जो करना था तुमने वो किया, अब उसे जो करना है वो कर रही है, तो इसमें गलत क्या है। तभी वो एकदम से बोलती पर वो तो मुझसे प्यार करती है ना, तो ये पेना बोलती से रियली वो तुमसे प्यार करती थी, एक वक्त था हाँ करती थी, लेकिन अब थोड़ी ना करती है, अगर अब उसके पास गर्लफ्रेंड है तो इसका मतलब यही है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करती है। तभी एकदम से पेना ईशा बोलती कि अरे एक महीने में कौन सा प्यार बदलता है, तब तो उसका प्यार सच्चा नहीं था ना। तभी एकदम से जो शनाया बोलते तुम तो बोलो ही मत प्यार के बारे में, तुम्हें क्या पता, तुम बोल रही हो कि उसका प्यार सच्चा नहीं है, सच्ची में
जानती भी हो प्यार क्या होती है। तो ईशा अपनी नजरें झुका लेती है, तो पेन जो शनाया है वो बोलती कि ईशा मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, तुम जा सकती हो। तभी एकदम से ईशा बोलती कि प्लीज़ यार, मैं उस लड़की को उसके साथ नहीं देख पा रही हूँ। तभी एकदम से ईशा ने बोलते, अच्छा तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि वो तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं रखी है और वो खुश है अपनी लाइफ में तुम्हारे बिना, ये चीज़ तुमसे हैंडल नहीं हो रही है ना ईशा। तो ईशा उसकी तरफ देखने लगते हो, एकदम से बोलती कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसको किसी के साथ नहीं देख सकती, प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो प्लीज़। तभी शनाया बोलती, अच्छा ठीक है चलो, 1 मिनट के लिए मान भी लिया कि तुम उससे प्यार करते हो, तो तुम ये सब मुझे क्यों बोल रही हो, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्यों बोल रही हो तुम। तो बोलती कि एक तुम ही तो हो जो उसके करीब हो, उसको समझा सकती हो, वो थोड़ी ना मेरी बात सुन रही है। तो बोलती कि वाह रे, ये चीज़ तुम मुझे बोल रही हो जिसने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। क्या क्या नहीं बोला तुमने शनाया, ईशा क्या नहीं बोला उसको, कुछ बचा के रखा था। तो देखिए यार, मैं इंसान हूँ, गलतफहमी हो जाती है, कंफ्यूज थी मैं, समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्या सही है क्या नहीं है। उस वक्त जो जो था बस। तो बुद्धि का, अच्छा बच्ची तो नहीं हो कि तुम नहीं समझ पाओगी कि क्या सही है क्या नहीं। तुम हमेशा यहाँ पे बैठ के सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो और कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो मानने वाली हूँ नहीं। तो वे एकदम से उसकी हाथ पकड़ के बोलती कि प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं सच में आर आरवी से बहुत प्यार करती। तो बोलते, अच्छा ये सब बातें हैं ईशा, तुम उसको प्यार नहीं करती, अगर प्यार करती ना तो इसे इतना दर्द तुम नहीं दे सकती थी। सुनती यार मैं, गलती हो गई मुझसे। तो एकदम से जो शनाया चीख के बोलती, गलती गलती एक बार किया जाता है, दो बार किया जाता है, बार बार नहीं। कितनी बार माफ़ कर रहे तुमको, और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी वजह से मैंने अपने दोस्त से 1 महीने तक उसको देखने के लिए तरस गई थी एक बार, लेकिन नहीं देख पाई ना उससे कुछ बात कर पाई। अब जब वो वापस आई है तो तुम फिर से उसकी ज़िंदगी से खेलने के लिए बोल रही हो, और क्या लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। तो ये बात सुन के ईशा को इतनी ज़्यादा रोने, वो उसका हालत ख़राब हो जाती है, वो रोने लगती है और एकदम से जो है शनाया की पैर पकड़ लेती, तो बोलती कि माफ़ कर दो मुझे, बद दिमाग थी मेरे मेरे मैंने उस वक्त ये सब नहीं सोचा। वो जिस तरह से उसने प्रपोज किया, उसने अचानक से किस किया, मैं उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई और एक अलग ही रिएक्शन निकल गई। आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या कैसे समझो, मैं उससे सच में प्यार करती हूँ, एक बार मुझ पे यकीन तो कर लो। तो एकदम से शनाया बोलती कि देखो ईशा, मुझे तुम पे इतना सा भी भरोसा नहीं है, आई एम सॉरी टू से, बट आई कॉन्ट ट्रस्ट यू, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारों के लिए सही हो, मुझे लगता है कि तुम्हारों के लिए सही नहीं हो। अगर उसने अपनी लाइफ में सोनिया को चुना तो आई एम ओके विथ इट, इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर वो उसके साथ खुश है तो खुश रहने दो, तुम अपने खुश रहो और उसे खुश रहना दो, और मैं ये इंश्योर ज़रूर करूँगी तुम उससे दूर रहो। तो ईशा वहाँ पे रोने लगती, लेकिन शनाया उसका भाई, उसका गुस्सा भी तो जायज़ थी ना, वो मानती ही नहीं। तभी पेना बोलती कि शनाया, तभी एकदम से शनाया पेना की तरफ बोलती, पेना तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन जब बात आरू की आएगी तो मैं किसी को भी नहीं देखूंगी, तुम्हें भी नहीं। तो पेना तो वहीं पे चुप हो जाती हो, क्या बोले। तो यह पेना जब देखती है कि भाई यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे रह के कोई भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, तो वो एकदम से ईशा को बोलती कि चल यहाँ से। यह ईशा
पेना की पैर पकड़ कर बैठी हुई थी, लेकिन पे जो सॉरी ईशा की पैर, हाँ शनाया की पैर पकड़ के बैठी हुई थी, लेकिन भाई शनाया तो शनाया अपनी बातों पे रही थी। तो पेना एकदम से उसको उठाती है, बोलती कि बस कर दे यार, चल बाद में बात करते हैं इस बारे में। वो नहीं मानेगी, चल यहाँ से। तो वो उसे वहाँ से ले जाती है। यहाँ शनाया की मॉम जब कॉफ़ी लेके आई थी तो वो बाहर खड़ी होके सारी बातें सुनती है, तो वो इंटरफेयर तो नहीं करती। लेकिन जब ईशा और पेना जाती तो एकदम से वो आती है रूम पे और बोलती कि बेटा ये तूने सही नहीं किया। तभी बोलती कि क्या सही नहीं किया मम्मा? तो बोलती कि बेटा ऐसे किसी को इतना इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। तो बोलती मम्मा आप ये बोल रही हो क्या? भूल चुकी हो कि ये वही ईशा है जिसने आरू को पता नहीं क्या किया? बोला आप इसके बारे में बात कर रही हो? तो बोलती कि बेटा हम चीज़ों को एक तरीके से देख रही है, उस चीज़ों को दूसरे पहलू में भी कन्वर्ट किया जा सकता है ना बेटा। तुम सिर्फ एक तरफा सोच रही हो, उसका भी तो सोचो। हमने तो बस यही सोचा ना कि उसने एकदम से रिजेक्ट कर दिया आरू को, और उसके बारे में जो भी बोला, आई नो कि वो गलत है, उसे नहीं बोलना चाहिए था, वो बिल्कुल गलत है, लेकिन उसका भी तो सोचो। तो शनाया एकदम से बोलते माँ मम्मा मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं बस अपनी दोस्त के लिए और कोई रायता नहीं फैलाना चाहती। वो जैसे भी रहे, जिसके साथ भी रहे, मैं खुश हूँ, बस ईशा नहीं चाहिए। तो वो देखिए बेटा अगर वो अभी तक इससे प्यार करती हो तो बोलते नहीं करती। तो बोलती कि बेटा जो सच्ची मोहब्बत होती है ना, वो कभी दिल से नहीं जाती। आप आजमा के देख लो आरू को, अभी भी वो ईशा को उतना ही प्यार करती होगी। तो ये चीज़ जब सुनती हो चुप हो जाती है। तभी सनाया की मॉम बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं कहूँगी कि तुम ईशा को एक चांस दो, लेकिन ईशा को परख सकती हो। तो बोलती कि परख सकती हो मतलब? बोलती कि देखो वो अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स करती है। अगर तुम्हें लगा कि हाँ वो सच में अब रेडी है आरू के लिए, तब मदद कर देना उसकी। तो बोलती पर मम्मी। तो बोलती कि बेटा मैं जानती हूँ तुम आरू के लिए थोड़ा पॉजिटिव हो, उसके लिए तुम्हारी चिंता लाजमी है, बहुत प्यार करती हो उसको, वही ये भी जानती हूँ, लेकिन उसका भी तो सोचो। अगर वो अब भी ईशा से प्यार करती होगी तो उसकी खुशी तो सिर्फ ईशा के साथ ही होगी ना। तो बोलती पर मम्मा ईशा। तो बोलती कि बेटा मुझे पता है कि तुम्हें ईशा से बहुत से जो है प्रॉब्लम है, ईशा से आई नो शिकायत है बहुत से उसको उस पे। पर अगर तुम्हें दिखाई दी कि वो आरू के लिए अब सही है, वो एफर्ट्स कर रही है उसके लिए, तो एक चांस दे देना उसको, अब तुम्हारी हाथ में है। और तुमसे अच्छा कौन जानेगा आरू की खुशी को, कि उसकी खुशी क्या है, कौन कौन सी चीज़ में उसकी खुशी है, क्योंकि तुम्हें तो सब पता होती है। तो शनाया कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप जाके बेड पे बैठ जाती। इधर ईशा इतनी ज़्यादा रो रही थी तो पेना उसे समझ बोलती यार मैंने पहले ही कहा था तुझे, तू ही नहीं मान रही थी, पता नहीं तेरे या तेरे चक्कर में मैंने कहीं अपनी दोस्ती ना तोड़वा दी। तो एकदम सोचती तुझे तेरी दोस्ती की परी है, तू क्या तूने भाई देख हम सच को झुठला नहीं सकते, तूने काम ही कुछ ऐसा किया, उसका नाराज़ होना ये लाजमी है यार। तूने जिस तरह से आरू को बेइज्जती की, उसके पता नहीं क्या क्या बोला यार, मैं तो बोल भी नहीं सकती। तो सोच ना, आरू पे जान छिड़कती है इसकी, ये थोड़ी ना इतनी आसानी से मान जाएगी। तो वो देखिए मुझे इसको जो भी करना पड़े मैं करूँगी, पर मैं शनाया को ज़रूर मनाऊँगी। तो बोलती कि ये हुई ना बात, पॉजिटिव सोचना यार,
काय को इतनी नेगेटिव सोच के रो रही है तू? अगर तुझे सच में आरू से मोहब्बत है तो तू ये चीज़ शनाया को दिखा कि हाँ तू सच में प्यार करती है, कुछ भी कर सकती है उसके लिए, एफर्ट्स कर। अगर उसे लगा कि नहीं तू सच में प्यार करती है तो ज़रूर वो तेरे साथ देगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो आरू की खुशी चाहती है सबसे पहले। तो अगर वो दिखी कि तेरे साथ ही खुशी है आरू की तो ज़रूर तेरी मदद करेगी। तो वो भुक्ति की ठीक ठीक है। तो जो ये लोग घर आते हैं, प्रेरणा जो उसे पहले अपने खुद के घर छोड़ती है फिर अपने घर जाती है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होती है। क्या शनाया ईशा को माफ़ करेगी और आरू के लिए वो बोलेगी बात? तो चलिए देखते हैं आगे। तब तक अपना ध्यान रखना और अपनों का भी, और ढेर सारा प्यार बांटना और हमें दुआओं में याद रखना। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज़, बाय।